मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती अपने होने वाली महारानी का डांस देखने के लिए। मैंने सुना है कि पूरा देश आएगा उनका डांस देखने के लिए। शायद वो अपने राजकुमार की बहू में ही डांस करती रहे। जरा देखो तो उसे कितनी अजीब लग रही है। तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा खास थे और एक दिन हम लोगों का सामना एक भालू से हुआ जिसमें पिताजी घायल हो गए। 9 महीने पहले की बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम पैदा हुए थे उससे भी 2 महीने पहले। ओ माँ, क्या पिताजी चले गए? कुछ ऐसा ही समझो बेटा, पर तुम्हें प्यार करते थे। मुबारक हो एस्टर। तुम खुश हो एस्टर? हाँ, हाँ मैं खुश हूँ। खैर अब प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की बात बताता हूँ। क्या है ये? ये हमारी पहली किस है फ्रांस। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगी, मेहमान आ गए हैं। तुम जाओ फ्रांस, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये भी नहीं। ये भी नहीं। कम से कम एक तो चुन लो। अंदर आ सकते हो। अब ये आखिरी ड्रेस। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मैं खुश हूँ मदद करके। और मेरा हाल चाल पूछने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन दोनों औरतों की अजीब सी बातें सुनकर बहुत परेशान हूँ। शुरुआत में तो मैं काफी परेशान थी, लेकिन हम सभी को तो पसंद नहीं आ सकते है ना? लेकिन आप ऐसी हैं जो सबको पसंद आ जाती हैं। अब मुझे समझ में आया कि लुडविक को तुम्हारी दोस्ती इतनी क्यों पसंद है। वो है या चला गया? नहीं अभी नहीं। थक गई, लुडविक को यहाँ ढूंढना मुश्किल है। वो तुम्हें डांस पे मिल जाएगा। लेकिन मैं उसे उससे पहले मिलना चाहती थी। शीशी, शैडो कह रहा है एस्टर घूम गया है। ओ जिसेल, तुम फिक्र मत करो, हम एस्टर को ढूंढ लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम आ गए नट, वुल्फ ने क्या कहा? क्या वही एस्टर से आखिरी बार मिला था? वुल्फ ने एस्टर को बताया कि वो उसके पिताजी ब्रिक को जानता है, हैं? उस दिन तुम भी वहाँ थे जिस दिन भालू से सामना हुआ था? हाँ मैं वहीं था। ढूंढते रहो, हम उस जानवर को ढूंढ के रहेंगे इससे पहले कोई और ढूंढे। जिज़ेल, जिज़ेल, ब्रिक, हाँ? एक दिन हम लोग एक साथ हो जाएंगे, लेकिन आज नहीं। क्यों नहीं? हम लोग एक भालू को ढूंढ रहे हैं, वो इतना खतरनाक है ब्रिक, एकदम खूंखार। जिज़ेल, सावधान रहना। सही कहा तुमने, और तुम भी अपना ख्याल रखना ब्रिक। मुझे मदद के लिए जाना होगा। मैं भी चलता हूँ, मुझे तुम्हें और अपने बच्चे को बचाना ही है। बहुत अच्छे वुल्फ, क्या बात है। जिज़ेल तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन ब्रिक, मैंने जो कहा वो करो, अभी इसी वक्त घर जाओ तुम। सुनो,
बहुत बहादुर हो वुल्फ। जल्दी, अभी तक जिंदा है। तो तुम्हारा मतलब ब्रिक जिंदा है? एस्टर ने सोचा होगा कि वो जाकर अपने पिता की तलाश करेगा। चलो चले, हमें उसे ढूंढना है वरना वो और दूर जा सकता है। ओह, बारिश हो रही है। सुनो, कोई है? किसी ने मेरे पिताजी को देखा है? वो बहुत बहादुर डॉग थे, बिल्कुल मेरी तरह। माफ करना, नहीं। क्या तुमने मेरे पिताजी को देखा है? वो बहुत ही बहादुर डॉग थे, मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। माफ करना, मैं बिजी हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ लूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, अंदर आ जाओ, बाहर मौसम खराब है, जल्दी अंदर आओ। हमें टीम्स बनानी होंगी। अच्छा है कि हमारे पास तीन डॉगीज हैं। शैडो, तुम मेरे और नट के साथ आओगे। जिजेल, तुम फ्लिक के साथ जाओ। वुल्फ, तुम और पेगासस तीसरे टीम में होगे। चलो चलते हैं, और सब अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छे, लगता है आखिरकार तुमने अपने काम को अंजाम दे ही दिया। किताब किसे चाहिए? मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये कंगन वाली किताब नहीं है। हाँ? मुझे माफ करिए महारानी। बेकार। कल सुबह ही मैं पेरिस के लिए निकल जाऊंगी। अब तुम बताओ लुडविक, हमारी दोस्ती का क्या होगा? शायद मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। खुशकिस्मती से पेरिस दुनिया के दूसरे कोने पे नहीं है। हम जरूर मिलेंगे। तुम मुझे जब याद करोगी, मैं तब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्या हुआ? वो आदमी कौन है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे चलना होगा। हम साथ में डांस करेंगे आज। कहाँ गया? तुम्हारे बाल इतने भीग गए कि अब बॉल में तो जचेंगे। जश्न से पहले मैं घर जाकर अपने बाल धो लूंगी, तुम फिक्र मत करो। आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्या आप सब सुनना चाहेंगे? मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है, जब वो पैदा हुआ था तब भी, और जब राजा बना तब भी, और इसने मेरे इस गर्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है एक खूबसूरत लड़की को चुनकर। सीसी, एक लड़की जो शाही नियम तो ज्यादा नहीं जानती पर इसे दिल से प्यार करती है। आइए हम सब मिलकर इनकी खुशियों के लिए दुआ करें। क्या आप मुझे फ्रांस से अकेले में बात करने देंगे? मैं तो बस जा ही रहा था। फ्रांस, तुमने अपनी पुरानी परंपराओं को कैसे भुला दिया? ये आदमी स्निफ कंपटीशन के विजेता की बेइज्जती कर रहा है। राजकुमार, ये एक नस्लीय कुत्ता नहीं है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ सेटर्स ही भाग ले सकते थे। नियम बदल दिए जाएंगे। और ये तुमने
क्यों किया फ्रांस और किसके लिए? सीसी के लिए। पर ये गलत है फ्रांस, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई नियम मेरे चाहने वालों को चोट पहुँचाए तो उसे बदल दिया जाएगा हमेशा के लिए। आज तुमने ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन याद रखो एक राजा होकर तुम इस तरह नियमों को नहीं बदल सकते। माफ कीजिए माँ अगर आपको दुख पहुँचा होता हो, क्योंकि मैं एक राजा हूँ तो गलत नियम को बदल सकता हूँ। मेरे राज्य के लोग इंसाफ के लिए मुझे से ही उम्मीद करते हैं, जो कि बिल्कुल जायज है। तुम अपनी प्रजा से प्यार करते हो या सीसी से? आपके कहने का मतलब क्या है माँ? सीसी ने तुम्हारे दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती। याद रखो ये ऑस्ट्रिया के भविष्य का सवाल है। ये पहली बार है जब तुम अपनी माँ के बिना हो। पर तुम मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ? नहीं, लेकिन बहुत सारे कुत्तों को जानता हूँ। क्या तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं? मैं बस कुछ लोगों को जानता हूँ। तुमने कहा था वो बहुत बड़ा है। हाँ। और क्या गुस्से वाला भी? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका नाम ब्रिक है, वो बहुत बड़ा नहीं है और गुस्से वाला भी नहीं। तुमसे प्यार करता है और वो घायल हो गया था। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। शुक्र है कि बारिश तो बंद हुई। क्या तुम्हें कुछ मिला? तुम्हें लगता है कि वो यहाँ अंदर होगा? हाँ? हेलो वुल्फ, लगता है सभी यहीं पहुँचे हैं। हाँ, लेकिन गुफा में कोई नहीं था, सब वहाँ से जा चुके हैं। बारिश की वजह से एस्टर की गंध खो गई है। हाँ? यहाँ कुछ है क्या वुल्फ? तुम्हें यकीन है? सीसी, याद रखो कि वक्त निकलता जा रहा है, डांस कभी भी शुरू हो जाएगा। मैं पहुंच जाऊंगी, तुम देख लेना। क्या तुमने सीसी को देखा? नहीं बेरोनेस, लेकिन मैंने बच्चों को देखा और मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें देखकर खुश होंगी। वो लोग क्या कर रहे हैं? तुम तैयार हो हिलरी? लेकिन ये तो मुझे बोलना था। हाँ ठीक है, तुम ही बोलो। क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करो। वो रुक जाएंगे, पहले तुम अपने स्केट्स मुझे दो। बुरी आंटी। हेलो बेकोनिया, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ लगभग, है ना मुकोनिया? इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, समझी? क्या तुम है? चोर हो? अरे एस्टर, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। इससे पहले तुम मेरा सामना करो। जरूर छोटे बच्चे। हाँ, आखिर मिल गया मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ब्रिक, क्या बेवकूफों की तरह यहाँ घुसे चले जा रहे हो? ओह, आप ब्रिक हो? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बच्चे? क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? किसने भेजा तुम्हें, बताओ मुझे। क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना है? नहीं, मैं अपने दोस्त एल्सोमर को भी ढूंढ रहा हूँ, बताओ मुझे वो कहाँ है। नहीं तो क्या? अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम एस्टर है और मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अगर परिचय समाप्त हो गया तो हम दो दो हाथ कर ले। तुम? शुक्र है हमने इन्हें ढूंढ लिया। बताओ क्या तुम सब मेरा मुकाबला करना चाहते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चोरी करने नहीं आया। मुझे तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। नहीं,
इस बार नहीं। अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, तुम चाहो या ना चाहो। आज नहीं। फिर हाथ से निकल गया। ब्रिक बोलते हैं उन्हें कुछ याद नहीं। ब्रिक, क्या तुम्हें वुल्फ या जिजेल दोनों ही याद नहीं है? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हारा एक बेटा है? नहीं। ब्रिक, क्या हो गया है तुम्हें? हा? बताओ क्या परेशानी है? महारानी जी, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। क्या आप ब्रिक के मालिक हैं? हाँ, सही कहा आपने, ये तो अपने पिता की तरह दिखता है एकदम। तो क्या ब्रिक का स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक नहीं था? हाँ, जब वो मुझे मिला था तो जंगली भालुओं ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। मुझे उस पर दया आ गई। बेचारा ब्रिक। क्या आप अंदर चलना चाहेंगी महारानी जी? शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मुझे तो लगा हम यही फंस जाएंगे। तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई एस्टर, लेकिन तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान थी। मुझे दुख है जिसेल कि ब्रिक को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वुल्फ का कहना है कि अभी भी उम्मीद है। हम ब्रिक की याददाश्त वापस लाएंगे, क्या कहते हो? ब्रिक, अगर तुम उस जगह पर जाओ जहाँ तुमने भालू का सामना किया था, तब शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी। डांस के साथ बहुत कुछ खो बैठोगी, फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा प्यार। ओ, दो प्यारे बच्चों के पिता एक साथ, मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका जनाब। क्या आप कोई खास किताब ढूंढ रहे हैं? कोई हमें सिखा सके कि ये स्केट्स कैसे चलाते हैं? ये देखिए। हम बच्चों को यहाँ लाते हैं, वही इसका इस्तेमाल करेंगे। ना, मैंने और फ्रांचेस्को कायलो ने कभी इस्तेमाल किए ही नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसमें माहिर हूँ, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस की चीज है। बस दिमाग को तैयार करिए और चल पड़िए। ओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। एक बार फिर कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। ओ महारानी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं आपकी मदद कर दूं? जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें सम्राट तक एक संदेश पहुंचाना है। हाँ हाँ, बताओ नट, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे बारे में पूछे तो मना कर देना, मैं नहीं हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर लूलू से भाग क्यों रहे हो। महारानी जी, आपके लिए संदेश है। क्या ये फ्रांस की तरफ से? राजकुमार लुडविक। राजकुमार लुडविक। लुडविक, वो मुझसे मिलना चाहता है, कह रहा है कोई जरूरी बात है। मुझे तुम पार्टी में मिलो और मैं तुम्हें किस करूंगी, मगर उससे पहले जो मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया है उसे पीकर आना। तुम्हारी सीसी। क्या तुम शुरुआत कर सकते हो? आप तैयार हैं? आगे बढ़िए। लेकिन हमने अभी तक ये तो तय किया नहीं कि इनाम क्या मिलेगा। सही कहा आपने, जीतने वाले को खूब सारी मिठाइयाँ मिलेंगी कल सुबह के नाश्ते में। अब आप हाथ मिलाइए और आगे बढ़िए। सीसी ने तुम्हारे दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती। याद रखो, ये ऑस्ट्रिया के भविष्य का सवाल है, समझे फ्रांस? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो तैयार, एक दो तीन। मुझे तुम पर भरोसा है सीसी। अरे नहीं। उम्मीद है किसी को चोट नहीं आई होगी।
लुडविक, मेरे पास बस 5 ही मिनट हैं। मुझे पता है, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। वो जो कंगन के पीछे पड़ा है वो यहीं पर है, इस महल में। क्या? क्या तुम उसे जानते हो? विश्वास करो मेरा, वादा करो तुम अपना ध्यान रखोगी। मैं वादा करती हूँ। रुको, मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ, सीसी की तरह। मैं तुम्हारे लिए हमेशा सीसी ही रहूंगी। ये वही जगह है जहां हमने भालू से लड़ाई की थी। क्या तुमने उसे पी लिया? और अगर मैं ना कहूं तो? तब फिर हम एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे। कहां है वो? मैंने पी लिया। शुक्रिया। सच कहूं तो आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो सीसी। पिताजी, अब हमें छोड़ के मत जाना। अब कभी नहीं जाऊंगा। चलो सबको दिखाते हैं। सीसी, मैं चांद और तारों की तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। ओ मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने ही हूँ। हाँ।